अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मरीन ड्राइव का हमारा सेकंड डे है और आज स्पेशली जो है हम सिर्फ खाने के लिए आए हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें हम ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम ट्राई करते हैं। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले जो ट्राई किया था वो थे छोले भटूरे, और इसमें दो भटूरे और छोले मिक्स अचार, इसके अलावा मिर्ची जो है फ्राई करके मिर्ची थी, बहुत ही यम्मी मसाला लगा हुआ उसका अचार था, अच्छा था। फुल प्लेट जो भटूरे थे वो 30 रुपीज़ और हाफ़ जो है वो 20 रुपीज़ का था। अच्छे भटूरे थे, क्रंची और बहुत लाइट वेट, बहुत ही यम्मी। और जो छोले थे वो भी बहुत अच्छे, एक अलग तरीके का टेस्ट जो था वो आ रहा था उसमें, और स्पाइसी भी। इसके अलावा जिसको और मिर्ची लेनी हो वो ले सकता है, अचार लेना हो तो भी ले सकता है, छोले और लेने हो तो ले सकता है, उसका कुछ अलग से कॉस्ट नहीं है। तो अच्छे थे छोले भटूरे, आप मरीन ड्राइव आइए पटना तो आप ट्राई कर सकते हैं, तो अच्छा था। उसके बाद से जो है हम लोगों ने ट्राई किया, लेग पीस था 2 पीस जो है पर स्टिक, एक स्टिक में 2 पीस था जो 100 रुपीज़ का था, ये भी अच्छा था। यानी इसके साथ जो है चटनी थी, धनिया पुदीना मिक्स, अच्छी थी। अक्सर होता है कि रोस्ट करते हैं तो अंदर तक पकता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट किया हुआ था और यम्मी था। साथ में जो है प्याज भी थी इसकी और चटनी भी बहुत अच्छी थी। फिर हम लोगों ने यहीं पे ट्राई किया था टिक्का कबाब जो था, ऊपर स्टिक 50 रुपीज़ का था, क्वांटिटी भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था। इसके साथ भी जो है वो चटनी थी ग्रीन वाली, यम्मी। उसके बाद यहाँ पर मिल रहा था चाट, यानी बहुत यम्मी। इसमें आपको पापड़ी और समोसा, नमकीन और ये छोले बने हुए थे बहुत सारी चीज़ों से मिक्स, और टिक्की थी आलू की, तो ये भी मस्त, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाया यहाँ पर चना चटपटी झाल मुड़ी, ये भी जो है मस्त एकदम, बहुत अच्छा। ये आई थिंक 20 रुपये जो है 20 रुपये पर प्लेट ये हम लोगों ने लिया था, ये भी बहुत अच्छा था, यम्मी। आप अपने हिसाब से मिर्ची वगैरह ऐड करवा सकते हैं और मसाला और दूसरी चीज़ें भी, तो ट्राई कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने ट्राई किया था शावरमा, शावरमा यम्मी, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। चीज़ दम भर भर के इन लोगों ने डाला हुआ था, और अच्छी चीज़ यही थी कि आप हाथ हाथ ये सामने बना कर दे रहे थे, तो इसलिए भी और भी ज़्यादा जो है वो यम्मी लग रहा था। तो मरीन ड्राइव आई तो ट्राई कर सकते हैं आप शावरमा यहाँ का। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो फिश का स्टॉल भी था, बिहारी चिकन करके था, चिकन भी था और फिश भी, लेकिन हम लोग देखने में तो फिश बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी, लेकिन आई थिंक लिट्टी इसके साथ ही सर्व कर रहे थे, हम लोग का पेट जो था वो भर चुका था, यानी फुल हो गया था अच्छा खासा, तो इस वजह से जो है हम लोगों ने फ़िश ट्राई नहीं किया था, लेकिन हाँ देखने में बहुत यम्मी लग रहा था, तो आइंदा कभी मौका मिला तो हम फिश भी ट्राई करेंगे, तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कुछ चटपट जैसा जो है वो मिल रहा था, जिसमें बॉयल चना भी था और कच्चा चना, आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकती हैं। ये सैलेड और हर तरह की यहाँ पर नमकीन थी, और सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करके ये बना रहे थे, काइंड ऑफ ये भी झाल मुड़ी कह सकते हैं, ये भी देखने में अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई की कुल्फ़ी, कुल्फ़ी इसलिए भी बहुत ज़्यादा यम्मी थी क्योंकि ये यहाँ पर फ्रूट ऐड कर रहे थे, इन्होंने इसमें पपाया और ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, बनाना, ये सारी चीज़ें जो थी वो लगा कर इन्होंने कुल्फ़ी जो थी वो बनाई हुई थी। तो फ्लेवर वाइज आप मर्ज़ी है, आप जिस फ्रूट का कुल्फ़ी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मिक्स फ्रूट जो है वो लेना था, तो उन लोगों ने वो लिया था।
लेकिन हम लोगों ने मिक्स फ्रूट जो है वो नहीं लिया, हम लोगों ने सिर्फ जो आई थिंक वाटरमेलन फ्लेवर जो था वो हम लोगों ने लिया था। तो कुल्फ़ी भी जो थी वो बहुत अच्छी थी, यम्मी थी। मुझे यहाँ का जो ये है ये अच्छा लगा देखकर, जो इनका बनाने का तरीका था कि किस तरीके से ये बना रहे थे, और ये पूछ रहे थे जिसको जैसा लेना है वैसा ले सकता है इस तरीके से। तो कुल्फ़ी अच्छी थी, आप पटना मरीन ड्राइव आइए तो आप कुल्फ़ी ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ट्राई की, खाने की जितनी भी चीज़ें ट्राई की सब बहुत अच्छी थी, बहुत यम्मी थी, स्पेशल भी। तो आप लोग भी आ सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं खाने की ट्राई कर सकते हैं आप, होप कि आपको अच्छी लगेंगी। फिर हम खा पी कर घर के लिए निकले, और ये पूरी मरीन ड्राइव की व्यू है, ये सारी स्टॉल्स जो हैं वो लगी हुई है। तो एक चीज़ देखकर ये लगी, अच्छा लगा कि जो लोग यानी जिन लोगों के पास जॉब नहीं होगी वो एटलीस्ट एक ठेले पे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई चाय, कोई लिट्टी, कोई झालमुड़ी, कोई समोसा, कोई चाट, कुछ भी। तो ये चीज़ अच्छी है, यानी कि बेरोज़गारी एटलीस्ट कम तो हुई थोड़ी बहुत, यानी जो लोग बाहर नहीं जा सकते, जिनके पास इतना नहीं है, बिकॉज बाहर जाकर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं, वहाँ जाकर चीज़ें बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, फिर वहाँ पे रहने की दिक्कत और फैमिली से दूर अलग। तो इन सारी चीज़ों के वजह से मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि ये एक अच्छी चीज़ हुई कि यहाँ मरीन ड्राइव जो है यहाँ पर लोगों ने ठेला लगाया। एक तो उन लोगों को रोज़गार मिल गया, दूसरे ये कि और जो लोग खाने के शौकीन हैं उनको तरह तरह की खाने की चीज़ें मिली, और अच्छी चीज़ है। तो होपफुली ये चीज़ बाकी रहे। तो बस तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप पटना आइए तो मरीन ड्राइव आइए, चीज़ें देखिए, एक्सप्लोर कीजिए यहाँ की चीज़ें, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, हर चीज़ आपको पता चलेगा। तो ये सब कुछ है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।